अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला इसका वही पॉइंट है, हमने सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन हो तो उसको बाई के इक्वल लेट करते हैं। लेट करने के बाद सेकेंड स्टेप हम ये करते हैं कि उसमें हमने इंक्रीमेंट्स पुटअप करना होता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे हम इसमें इंक्रीमेंट्स पुट अप कर देंगे। यहाँ पे मेरे हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जी हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल ऑफ x इसका होल का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल ऑफ x का होल का स्क्वायर। थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग y कर देते हैं ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग y ऑन बोथ y ऑन बोथ साइड्स, वो साइड पे हमने y को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y प्लस क्या हो जाएगा डेल ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस डेल ऑफ x इसका होल का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस डेल ऑफ x इसका होल का स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव y आ जाएगा यहाँ पे, तो y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा डेल ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस डेल ऑफ x इसका होल का स्क्वायर और प्लस 1 ओवर x प्लस डेल ऑफ x का होल का स्क्वायर माइनस y, y को हमने ऑलरेडी लेट किया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x के स्क्वायर लेट किया हुआ है, तो इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देना है। अब हमने इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है ताकि ये यहाँ से हमारे पास डेल x कॉमन आ सके। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे कि x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस 1 ओवर। इसी तरह सेम यहाँ पे भी हमने इसको पहले इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले हमने ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एक्स का स्क्वायर और प्लस ऊपर साइन ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल हो गया कि ये माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल ऑफ वाई इक्वल टू डेल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 2x इंटू हो जाएगा डेल ऑफ एक्स और प्लस 1 ओवर एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर और माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको और इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स और प्लस हो जाएगा डेल ऑफ एक्स। इस पोर्शन को अब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स का आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है ताकि हमारे पास डेल ऑफ वाई भी काम ना सके, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा प्लस ये है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस इसका होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे। जब इसका होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर पहले ब्रैकेट के साथ ओपन कर लेते हैं, फिर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे ओपन करके, ये हमारे पास आ जाएगा और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगी जी एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। इसका हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे अभी ताकि हमारे पास डेल ऑफ एक्स कॉमन आ सके, 2x इंटू क्या आ जाएगा डेल ऑफ एक्स और प्लस, अब इसकी ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, एक्स का स्क्वायर नेगेटिव डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर नेगेटिव 2x इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शन का मान आ जाएगा डेल ऑफ वाई इक्वल टू डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स और नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर और नेगेटिव 2x इंटू डेल ऑफ एक्स का मान है। नीचे हमारे पास इसी तरह फंक्शन सेम रह जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर, ये हमारे पास रह जाएगा। इसके बाद हमने इसको अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब फंक्शन आ जाएगा डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल ऑफ
एक्स का स्क्वायर प्लस टू ऑफ एक्स इंटू डल ऑफ एक्स और नेगेटिव, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यह मेरे पास रह जाएगा मेरे पास डल ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स इंटू डल ऑफ एक्स रह जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास ये चीज़ जो है यहाँ पे भी कॉमन आ रही है और ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी कॉमन, तो इस होल में से हमने ये इस चीज़ को एक्स डल ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस टू एक्स इंटू डल ऑफ एक्स को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे तो मेरे पास रह जाएगा वन नेगेटिव, यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा वन ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डल ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी ब्रैकेट आ जाएगी। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हमारे पास यहाँ से हम डल ऑफ एक्स यहाँ से हमारे पास कॉमन आ सकते हैं तो यहाँ से हम डल ऑफ एक्स को कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे डल ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डल ऑफ एक्स कॉमन लिया क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे पास ये होल में से कॉमन है, इसमें से हम डल एक्स कॉमन लेंगे तो बाद में हम डल ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। एक्स प्लस यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा टू ऑफ एक्स और होल की ब्रैकेट में जाएगा वन माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस डल ऑफ एक्स का होल का स्केयर आ जाएगी जब ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमने डल फोर्थ स्टेप हमारा कि हमने डल से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग डल ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे हम डल ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा डल ऑफ वाई इंटू डल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डल ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डल ऑफ एक्स ब्रैकेट में यहाँ पे डल ऑफ एक्स और टू एक्स आ जाएगा, होल के ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा वन माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर और एक्स प्लस डल ऑफ एक्स का होल का स्केयर आ जाएगा, यहाँ से डल ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा खत्म। तो इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा डल ऑफ एक्स और प्लस टू ऑफ एक्स आ जाएगा और ब्रैकेट के होल में आ जाएगा वन माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस डल ऑफ एक्स का होल का स्केयर आ जाएगा। अब हम पाँचवा स्टेप करते थे कि हमने इस पर बोथ साइड पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डल ऑफ एक्स अप्रोचेस जीरो के, यहाँ पे भी अप्लाई कर ऑन बोथ साइड पे हमने अब लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट डल ऑफ एक्स अप्रोचेस जीरो को डल ऑफ वाई इंटू डल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी डल ऑफ एक्स अप्रोचेस जीरो के, तो डल ऑफ एक्स प्लस टू ऑफ एक्स आ जाएगा ब्रैकेट में वन माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस डल ऑफ एक्स इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज होगी। जब लिमिट अप्लाई करते हैं आपको पता है ये तो चीज़ हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी डी एफ वाई इंटू डी एफ एक्स में कन्वर्ट होती है, जहाँ पे हमने डल अप्रोच जीरो को अप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा सिर्फ टू ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये डल ऑफ एक्स ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा टू ऑफ एक्स ब्रैकेट में इसी तरह वन माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे भी जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स और इसका आ जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू ऑफ एक्स ब्रैकेट में वन माइनस वन ओवर एक्स की पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी फोर। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी एक्स की पावर फोर और माइनस वन और डिवाइडेड में यहाँ पे एक्स की पावर फोर आ जाएगी। अब एक पावर इसके साथ हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास आंसर में रह जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर थ्री पावर रह जाएगी। तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।